डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना यार। यूनिवर्सिटी 8 हम लोग दे चुके हैं और यूनिवर्सिटी 8 की हम लोगों ने लगभग हिंदी और रीजनिंग वाला पोर्शन लगभग कवर कर लिया। बचा था केवल मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, इसलिए भी बचा था क्योंकि हमने सोचा था कि पहले क्लासरूम वालों को करवा दिया जाए और उनका हो भी चुका है, तो मैंने सोचा डिले क्यों किया जाए। अब चलो आपका भी एनएसटी 8 का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कर लिया जाए। बहुत ही इजी पेपर था, आपकी बात बिल्कुल इजी पेपर था, बिल्कुल कोई सोचने वाली बात ही नहीं यार, कोई सोचने वाली बात ही नहीं। आप फटाफट सारे क्वेश्चन कर लोगे, इसीलिए मैंने सोचा चलिए फटाफट आपको क्वेश्चन सारे करवा देते हैं एनएसटी 8 की मैथमेटिक्स के। किसके? एनएसटी 8 की मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स के। ओके चलो डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए और आप फटाफट इसके आंसर फटाफट, मतलब समझ लो ना, फटाफट करते चलो यार, फटाफट। चलो जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5.34 इंटू 6 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 32.04। तो ये पूछ रहे हैं, तो ये जनाब पूछ रहे हैं 53.4 इंटू 0.6 की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, कि यहां पे ये एक इधर आ रहा है दशमलव, एक राइट जा रहा है, और यहां पे जरा देखिए, यहां पे जब यहां से यहां देखते हैं, यहां से जब यहां देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक अंक दशमलव इधर आ रहा है ना, एक में राइट जा रहा है, एक में लेफ्ट जा रहा है, तो क्या रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी कि हमारा आंसर फिर से कितना आने वाला है? 32.04 ही आने वाला है। ओके तो बिल्कुल ऐसे ही कहते ना, बिल्कुल लगाना भी ना पड़े और आंसर आ जाए, लगाना भी ना पड़े और आंसर आ जाए। तो इस तरह की कुछ चीजें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल चलो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 को जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं कि 22.989814 और इसको तुम्हें डिवाइड करना है किससे? 1.3 से। कितने से? 1.3 से। तो ऐसा भी अपन क्या कर सकते हैं कि इस वाले दशमलव को और इस वाले दशमलव को, इस वाले दशमलव को एक राइट शिफ्ट कर दो, तो इसको भी एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो तो है ना 2298 और यहां पे दशमलव लगा दो, उसके बाद 1.4। ओके और ये वाला दशमलव आप हटा दिए तो हो गया 13, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहाड़ा ले जाओ, 13 बहुत बढ़िया। 12 में से 3 गया 9, ये कट गया, यहां पे 99 आ गया। 13 6 78 13 7 91 91। यहां से 9 में से 1 जब आप ले गए तो यहां पे आया 8, और 8 के बाद ये स्टूडेंट जरा देखिएगा पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगेगा। अब आप इसी पे चेक कर लीजिए, बहुत ज्यादा आपको करने की नीड नहीं है, बस आप अगर इसी पे चेक करना शुरू कर दें तो देखिए कि 17 पॉइंट के आगे, तो सबसे पहला ए ऑप्शन जो आपका है, जो आपका ऑप्शन ए है वो है 176, तो 176 तो बिल्कुल नहीं, यानी कि ए वाला क्या है, ए वाला बिल्कुल गलत है। बी वाले क्या दे, बी वाला है 17.678, इसका मतलब यही आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप आगे नीचे तक चलते चलें तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगा, एट लगा, उसके बाद ये एट नीचे आया, एक नीचे है, उसके बाद क्या होगा, दशमलव लगा है, जीरो तो बढ़ेगा ही। ओके तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि भाई भाग देना तो हर किसी को आता है, और क्या करिए कि टाइम हम लोग अपना बिल्कुल वेस्ट ना करें और फटाफट आंसर की तरफ बढ़े, फटाफट आंसर की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए डियर। क्वेश्चन नंबर 43 1.69%, ये परसेंटेज है, परसेंटेज को आपको किसमें बदलना है, परसेंटेज को आपको बदलना है किसमें, किसमें जल्दी से बताइए डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज को आपको बदलना है दशमलव में, किसमें, दशमलव में। तो ये बताइए कि अगर दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदलना है, तो फिर हम क्या करेंगे, दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं? अरे यार याद है, याद है जब हमारे पास इसको 100 से मल्टीप्लाई, क्या 100 से मल्टीप्लाई, 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 169 169 169
नहीं, बिल्कुल। अब ये बताओ, अगर 169 कहीं आपके पास हो और अगर आपको इसको क्या करना हो, अगर आपको इसको क्या करना हो, तो ये तो दशमलव हो जाएगा ना, 169.0, 169.0, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। तो अब की बात है ना, जस्ट फॉर्मेलिटी करना है, केवल फॉर्मेलिटी करना है, हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होने की नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं। चलिए क्या करें, 9,000 रुपए का, 9,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? अरे मेरे भाई, 9,000 रुपए का 2% 2 वर्ष के लिए और 9% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ओके, तो चलो फटाफट 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 कितना हो गया, 9 × 2 = 18, 18 × 9 = 144, 18 × 144 ना, क्या कहते हो, क्या कहते हो आप, 18 × 9 = 162, सॉरी 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 सॉरी, अरे 9 × 2 = 18 और 18 × 9 = 162, 162 आगे 10, यानी कि आएगा आपका आंसर कितना, 1620, 1620 रुपए, और आपका ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आपको मतलब समझने की नीड ही नहीं है, हम आपको तो इतना पढ़ा चुके हैं कि आपको इन सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे तो फोकस मतलब ऐसे ही आप बता दोगे ऐसे ही। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 आ जाओ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करें, 8 है फिर 10 है, 8, 10, 14, 14 के बाद 20, 20 के बाद 28, 28 के बाद, चलो अरे हमें ये बताओ, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14, 6, 20, 20, 8, 28, 28, 10, अभी यहां से यहां कितना बढ़ा, प्लस 2, यहां से यहां कितना बढ़ा, प्लस 4, यहां से यहां कितना बढ़ा, प्लस 6, यहां से यहां कितना बढ़ा, प्लस 8, आपकी बात प्लस 10 कर दो ना, 28, 10, 38, 38, 38, 38, 38, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपको काम करना, बहुत ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। ओके चलिए आज एक क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर आपकी बार आपका रहेगा 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन जल्दी से फटाफट, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या में अंतर यार हमसे ना करो, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे हमसे क्वेश्चन बिल्कुल ना करो, क्या करें, 4 अंक की बड़ी से बड़ी, अरे यार 9, 9, 9, 9, ओके, और 5 अंक की छोटी से छोटी, 1, 2, 3, 4, तो कितना हो जाएगा, एक नहीं आएगा यार, एक ही तो आएगा उसका अंतर, कितना आएगा, एक आएगा, यानी कि 46 में ए। चलो आ जाओ 47 में आ जाओ, 47 में है 0.007, 0.07, 0.77, 7.0, 70.0, इन सारे लोगों को क्या करना है, इन सारे लोगों को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 47 फटाफट डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन कम ऑन, 70.0, तो जीरो है तो कई जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ 7.0, 7.0, बहुत बढ़िया, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद 0.7, 0.7, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से, फिर 0.07, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे जीरो बढ़ाते चलो, फिर 0.007, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये 7 उतारो, ये 7 उतारो, ये 7 उतारो, और ये 7 उतारो, ये 7 उतारो, तो 77.777, 77.777, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये सारे के सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 तक आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल कतई साल हुए होंगे, कतई, कतई का मतलब क्या, एकदम मस्त, यहां तक तो कोई दिक्कत होने की वाली नहीं है, क्योंकि अपन इतना पढ़ चुके हैं ना, इन सारे क्वेश्चंस को तो हम व्हाइट बोर्ड पे लगा रहे हैं, लेकिन आपको कॉपी में लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, नहीं पड़ेगी यार, नहीं पड़ेगी। चलो कमाल जल्दी से फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 48, अरे यार ये तो, अरे यार ऐसे क्वेश्चन अब करना पड़ेगा तो मतलब फिर पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। एक हाल की बीमारी 18 × 12 है, 3 मीटर लंबी कितनी वर्गाकार टाइल, अरे भाई मेरे टाइल्स की संख्या बराबर, टाइल्स की संख्या बराबर, बोलो ना, बोलो 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 जल्दी, बड़े आयत का क्षेत्रफल बटे छोटे आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का मतलब क्या है, बड़े आयत का मतलब क्या है कि हाल की बीमाएं कितनी दी गई है, 18 × 12, कितना, 18 × 12, ओके, और चाहिए 3 मीटर लंबी वर्गाकार, वर्गाकार टाइल यानी कि 3 × 3, छोटे आयत का मतलब 3 × 3, अभी बताओ 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 6 × 4 = 24, कितनी टाइल्स, 24 टाइल्स, कितनी टाइल्स, 24 टाइल्स, सीधी सी बात है। ओके तो मॉर्निंग का समय है, चिड़िया भी बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है,
बिल्कुल मस्त अपन पढ़े, ऐसे ही माहौल में पढ़ने का तो मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। इसीलिए हम कोई माइक वाइक नहीं लगाते, कभी कभी माइक वाइक बिल्कुल ना लगाओ, बिल्कुल नेचुरल आवाज में पढ़ो, देसी माहौल, देसी कक्षा, देसी माहौल। चलो कमान बच्चा पाड़ी, कमान जल्दी। क्वेश्चन नंबर 49 में जरा इनको देखिएगा कि ये कुछ बनाए हैं, ऐसे ऐसे कुछ ये बनाए हैं। देख लीजिए पहले पहले इस क्वेश्चन को, पहले व्हाइट बोर्ड पे देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसा है, ऐसे ही तो है कुछ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है। ओके, अब हमें ये बताओ, अगर यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, तो इतना वाला पोर्शन कितना हुआ, इतना क्या 20 में से 8 यानी कि 12 नहीं हुआ, अगर ये 12 तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ध्यान से देख लीजिए। तो अब हमें आप ये बताइए डियर स्टूडेंट, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, अगर 12 लंबाई हो 12 चौड़ाई हो तो क्षेत्रफल कितना आएगा, वेरी नाइस, कितना 12 × 12 = 144 वर्ग सेंटीमीटर, 144 वर्ग सेंटीमीटर, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया, बी फॉर बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे जैसे ही आते हैं डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए आप क्या देख रहे हो, आप पहले तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ो। एक प्रिंटर एक आर्टिकल की 16,200 कॉपियां 12 घंटे में निकाल देता है, तो 3600 कॉपियां कितने घंटे में निकालेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, 16,200 कॉपियां कितने घंटों में बोलो, 12 घंटों में। तो भाई एक कॉपी कितने घंटे में निकालेगा, सीधी सी बात है 12/16,200 घंटे में, इसलिए 3600 कॉपी बताओ ना भाई, 3600 कॉपी कितने में, 12 × 3600 / 16,200, ये गया बोलो, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद तुम इसको किससे काट दो, चलो ऐसे ही काट दो, 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काट दो 18, कोई दिक्कत, फिर 3 से काट दो, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21। अब आप काट दो फिर से किससे, 3 से, 3 × 6 = 18 और 3 × 9 = 27, फिर से 3 से, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, अरे हम 4 × 8 = 8, 8/3। हम इसलिए भी धीरे धीरे काटते हैं जैसे कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन ना हो, वैसे तो आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, डायरेक्ट भी आप 12 से काट देते, कोई दिक्कत थोड़ी होती। अब देखिए 8/3 का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, 8/3 घंटा, और एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट से गुणा कर दो, चलो गुणा करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 20 × 8 = 16 बोले तो 160 मिनट, 160 मिनट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक बिल्कुल कंप्लीट हुआ डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 51, 52 और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 51 को सबसे पहले आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन को जबरदस्त ढंग से पढ़ते हैं ना, आपका मैक्सिमम उसी में सॉल्व हो जाता है। ओके, तो चलिए जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि दूध के एक बर्तन को पूरा भरने पर 50 लीटर दूध आता है। ओके, इसका 3/4 भाग दूध से भरा हुआ है तथा उसमें से 1/4 भाग खाली कर दिया जाता है, उसमें और कितना दूध डालने पर बर्तन पूरा दूध से भर जाएगा। तो बिल्कुल इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की नीड ही नहीं है। अच्छा ये बताओ कि बर्तन कितना भरा हुआ था भैया, 3/4, पक्का 3/4 भरा हुआ था, वेरी गुड। ये बताओ कि इसका 1/4 कितना होगा यार, ये बताओ 1/4 कितना होगा, फटाफट बता दो भैया, 3 × 1 = 3 और 4 × 4 = 16, 3/16 होगा। इसका मतलब कि 3/4 भाग भरा हुआ था, इसका 3/4 का 1/4 भाग खाली कर दिया जाता है, तो हमें ये बताओ कितना खाली किया गया, कितना खाली किया गया बोलो भैया, 3/16 खाली किया गया। अच्छा ये बताओ, पहले वो 3/4 भाग भरा हुआ था, अभी क्या हुआ कि 3/16 भाग खाली कर लिया गया, तो देखो कितना अब भरा है, अब कितना भरा है, इन दोनों का लासा ले लो, कितना आएगा 16, 4 × 16, 4 ×
12, 12 माइनस 3 बराबर 9 बटे 16, 9 बटे 16 भाग अभी भी भरा हुआ है। तो डियर हमें ये बताओ कि कितना खाली है, खाली कितना है, एक में से घटा लेते हैं, एक में से घटा लेते हैं। जैसे ही आप एक में से घटाते हो डियर, यहाँ पे कितना जाता है, 16 आ जाता है। तो बच्चा पार्टी हमें ये बताओ फटाक से कि क्या हम यहाँ पे 16 लिख दें? हाँ भैया बिल्कुल लिख दीजिए। क्या यहाँ पे हम 9 लिख दें? बिल्कुल। और 16 में से 9 गया 7, 7 बटे 16, 7 बटे 16 भाग ही तो खाली है, 7 बटे 16 भाग खाली है, इसका मतलब इसमें कितना दूध आएगा? फटाफट हमें बताओ, फटाफट इसको आप 50 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। चलो काटो, यहां आ जाएगा कितना 25, यहां आ जाएगा 8, तो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 3 17, 175 को 8 से भाग लगा दो डियर स्टूडेंट, देख लो आंसर कितना आ जाता है। तो 8 दूनी 16, 1 आया 15, ओके, और 8 एक 8 7, यानी कि 21 सही कितना आ रहा है, देखिए जरा कितना आ रहा है, 21 सही 7 बटे 8 लीटर दूध और उसमें डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और उसमें डालना पड़ेगा, तब जाके ये जो बर्तन था, जो 50 लीटर का बर्तन था, जो कि 3 बटे 4 भाग भरा हुआ था, फिर उसका 1 बटे 4 भाग खाली किया गया, तो बचा कितना, 3 बटे 16 भाग। अब जब 3 बटे 16 हमें ये पता था, 3 बटे 16 भाग उसमें भरा हुआ है, ये हमने देखा कि कितना खाली है, तो खाली वाला भाग आया कितना अपना 7 बटे 16, और 7 बटे 16 पार्ट में ही तो दूध भरना है, तो 7 बटे 16 भाग, 7 बटे 16 भाग कितना होगा, ये 50 से गुणा करके हम लोगों ने निकाल लिया। जैसे ही निकाला डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर कितना आ गया, 21 सही 7 बटे 8। और मेरे ख्याल से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख पा रहे होंगे कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन को अपन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, कोई भी कभी भी कोई टेंशन ना लो, अभी आप ना अपने एग्जामिनेशन के लास्ट वाले फेज में हो, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, जो कुछ भी आपने पढ़ा है बहुत है उतना, बस उसी को आप रिपीट करते रहिए, आप उसी को रिवाइज करते रहिए, बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है, टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम करते हैं खत्म, यहां से रिमूव करते हैं इसको, यहां से मिटाते हैं, और हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, जरा आप पढ़ना शुरू करिए, हम भी इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा क्या कह रहे हैं कि 15 पेनों का, 15 पेनों का मूल्य 300 रुपए है, तो 7 पेनों का मूल्य, ओफो इतने सिंपल क्वेश्चन है, हमसे मत करवाया करो यार, अच्छा नहीं लगता है, दिल से बुरा लगता है, ठीक है, दिल से बुरा लगता है कि 15 पेनों का मूल्य क्या है, 300 रुपए, तो 7 पेनों का, यहाँ पे देखो चूंकि 15 पेनों का कितना, 15 पेनों का, 15 पेनों का मूल्य का मूल्य कितना होता है डियर, जल्दी से बोलो फटाफट, 300 रुपए भैया। अच्छा ये बताओ बच्चा कि अगर 15 पेन का मूल्य 300 है, तो एक पेन का ज्यादा होगा कि कम, पक्का कम ही ना होगा, तो अगर कम होगा तो कम में के लिए क्या किया जाता है, भाग किया जाता है ना, तो 15 से भाग कर दो। अच्छा ये बताओ इसलिए कितने का पूछ रहा है, 7 का पूछ रहा है ना, तो 7 पेन का कितना होगा, अरे यार 300 गुणे 7 बटे 15, तो 15 के 15, 15 दुना 7 दुना 40, यानी कि 7 दुना, अरे 7 दुनी 14, 140 रुपए, कितना 140 रुपए, और बिल्कुल आपका आंसर सी वाला, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, तो अपना जो आंसर है वो है सी, सी, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52 डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आ रहा होगा, आप बहुत ही बेहतरीन बातों को समझ पा रहे होंगे, आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। अच्छा 53 वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स जरा आप देखिएगा, जरा आप देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा सा ग्राफिकल है, क्या है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उसको मैं इसी टैबलेट पे ही सॉल्व करवा देता हूँ, और टैबलेट पे सॉल्व करवाने से क्या होगा कि आपको वो बेहतर दिखेगा, क्या होगा वो आपको बेहतर दिखेगा, बेहतर देखने से क्या होगा कि आप ग्राफ देख पाओगे, ऐसे तो अभी अभी ग्राफ यहाँ पे बनाना पड़ेगा, है ना, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप बस केवल स्क्रीन पे फोकस करिए, आप केवल स्क्रीन पे फोकस करिए, हम स्क्रीन को भी यहां से रिमूव कर दे रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें दिखाई दे। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आप फटाफट स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित दंड चार्ट का अध्ययन करके
दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलो ठीक है, देते हैं। ये बताओ, ये पूरा का पूरा ग्राफ देख रहे हो, इधर क्या है, इधर तुम्हारे अंक हैं और इधर तुम्हारे विषय हैं। विषय में अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान। तो विद्यार्थी द्वारा गणित तथा विज्ञान में कुल कितने अंक, तो ये बताओ। कुल माने क्या होता है, जोड़ होता है। तो जरा देखो, आओ देखो, इधर आओ। गणित में ये कितना पाया बच्चा, कितना पाया गणित में, ये वाला है गणित, ये यहाँ गए, कितना है, 40 आया, कितना 40। अच्छा आ जाओ बच्चा, विज्ञान में कितना पाया, विज्ञान वाला ये है, और ये कहाँ जा रहा है, जरा देखो, ये जा रहा 35। तो भैया हमें ये बताओ कि 40 प्लस 35 कितना होता है, 75 नहीं ना होता। तो अगर 75 होता है डियर, तो आप ये बताओ क्या 75 आंसर सही नहीं है, बिल्कुल सही है, सीफा चेन्नई इसमें भी, तो सी वाला आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो, ऐसे ही आ जाओ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 55 भी आपकी स्क्रीन पे है। चाहे इसको ध्यान से देखिएगा कि कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नांकित चित्रालेख सप्ताह के 5 दिनों के में बेचे गए बॉक्सों की संख्या दर्शाता है, और यहाँ पे नीचे दिया गया है जहां पे एक बॉक्स इक्वल टू 10 बॉक्स को दर्शाता है। यानी कि ये जो बना हुआ है ना, ये बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हो ये इशू ना, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे एक बॉक्स है, लेकिन ये एक नहीं है, एक बॉक्स जो है वो 10 बॉक्स के बराबर है। कितने के, 10 बॉक्स के बराबर है। तो ये बताओ सोमवार को कितने बॉक्स, चलो फटाफट, 1 2 3 4 5, तो 5 50, बहुत बढ़िया। चलो यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे भी 50, यहां पे भी 50, चलो यहां पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने 60, कितने 60, यहां पे 1 2 3, यानी कि कितना 30, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 50। तो जरा ये देखो कि टोटल बॉक्स कितने हुए, 50 50 50, 150 और 60, 60 और 50 210, 210 और 3 30, 240, कितने 240 बक्से तो उसने क्या करे, बेचे। और अभी भी उसके पास कितना है, 130 है। तो ये बताओ कि प्रारंभ में उसके पास कितने थे, तो भैया 130 भी इसी में क्या करो, जोड़ दो ना यार। तो 240 प्लस 130 कितना होगा, अरे ये नहीं आएगा तुम्हें, 370 होगा भाई, कितना होगा 370, वेरी गुड। चलो बच्चा पार्टी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लिया। और देखो 370 क्या है, डी फॉर डॉग, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो गया डियर स्टूडेंट। तो चलो ठीक है बच्चा पार्टी, ये हो गया आपका कितना 54। ओके 54 हो गया। चलो आ जाओ 55 नंबर क्वेश्चन इसी पे इसलिए करवा देते हैं क्योंकि आप देखो अगर ध्यान से तो इतना छोटा क्वेश्चन है कि इसको तो पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है यार, लेकिन चलो ठीक है, अपन को करना है, नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है तो अपन को सोल्यूशन बताना है, आपको सुनना है, तो फॉर्मेलिटी तो करनी है ना। तो चलिए कर लेते हैं, आइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, अरे यार 8432, 8234, 8344, 8243। तो भैया इसमें सबसे छोटी जो है वो 8234 है, 8234, यानी बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे वाला क्वेश्चन बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। ओके चलो पांच के अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56, आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, पांच के प्रथम पांच गुणजों का औसत, प्रथम पांच गुणजों का औसत। तो डियर स्टूडेंट हमें ये बता दो कि पांच के प्रथम पांच गुणज कौन कौन से, भैया पांच का तो सबसे पहले तो पांच ही हो जाएगा, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, तो चार कितने गुणज लेने हैं, प्रथम चार गुणज है ना, क्या लेने हैं, प्रथम चार गुणज। तो हमें ये बताओ चार गुणज तो यही हो ना गए, तो इसको जोड़ लो, क्या हो जाएगा 10 5 15 15 15 30 30 20 50 50 आंसर आ गया। ओके तो पांच गुणज क्या होंगे, है ना, पांच के प्रथम चार गुणज, तो गुणज का मतलब होता है मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब पहाड़ा, पहाड़ा का मतलब 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20, तो कितना हो गया क्लियर 20, है ना, 5 10 15 15 15 30 20 50, तो 50 आंसर आपका बिल्कुल सही है, और ये है आपका बी, बी फॉर बॉम्बे। ओके तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 56 भी हो गया क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57 यहीं पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57 आ जाओ, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, 144 और 132 का मासा, अरे यार एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
क्या होगा 144 और 132। तो चलो 132 से इनको भाग कर दो, कितने बार पढ़ा जाएगा, एक बार, तो 132 आ गया। चलो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक 12, बोलो बात सही है कि नहीं। अरे भाई बिल्कुल सही है, चलो 12 से 132 में भाग लगा दो, तो 12 एक आया फिर 12 एक 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा किसका, 132 और 144 का जो लास आएगा डियर वो आएगा 12 12 12, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो कितने प्यारे क्वेश्चन थे यार, अब की बार मतलब मजा आ गया है। ओके, अब की बार मजा ही आ गया डियर। तो ऐसा करते हैं हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जरा देखिएगा, जल्दी जल्दी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको पढ़िए ध्यान से, इसको पढ़िए। तो ये कह रहे हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है, पहला उनका योग ना, उनका अंतर ना, उनका गुणा, वेरी गुड, डी वाला ऑप्शन, यानी 58 का डियर स्टूडेंट्स क्या है, डी वाला ऑप्शन है। क्योंकि आप एक बार जान लो कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जब भी हम लोग उसका मासा निकालने चलते हैं, मासा नहीं डियर, उनका लासा निकालने, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब निकालने चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसको क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। जैसे जैसे तुमसे कोई ये पूछे तीन और पांच का लासा बताओ, तो क्या करोगे, तीन गुणे पांच कर लोगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे ही क्या करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसका गुणा करेंगे। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 का जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, यदि कल से पहले दिन शनिवार था, कल से पहले का मतलब अगर आज हम लोग यहां पे हैं, तो कल का मतलब यहां वाला कल, पीछे वाला, और इसके पहले क्या था, शनिवार था, यहां पे शनिवार है, तो ये बताओ अगर ये शनिवार है तो ये रविवार, ये सोमवार, तो क्या कह रहे हैं, तो अगले दिन से अगला दिन क्या होगा, तो ये बताओ शनिवार रविवार सोमवार, तो अगले दिन का मतलब क्या हुआ, हम यहां पे थे तो एक यहां पे और एक यहां पे, तो अगले दिन का मतलब ये हुआ और अगले दिन का अगला दिन ये हुआ, तो ये बताओ शनिवार के बाद ये रविवार, रविवार के बाद ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपका आंसर क्या होगा डियर, आपका आंसर होगा सी, क्या होगा, बुधवार। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 59 भी आपका, ऐसे क्वेश्चंस में आप तुरंत बना लो, क्या कर लो कि सपोज करो कि आप यहां पे खड़े हो, ओके आप यहां पे खड़े हो, अब ये क्या कह रहा है कि यदि कल से पहला दिन शनिवार था, तो कल से पहला का मतलब एक यहां दिन होगा, एक यहां होगा, तो कल से पहले यहां पे शनिवार है, तो ये रविवार होगा, ये सोमवार होगा। अब ये बताओ अगर ये सोमवार होगा तो ये क्या करें, तो अगले दिन से अगला दिन क्या होगा, तो ये नहीं ये वाला कौन सा होगा, तो ये सोमवार है तो ये मंगलवार होगा और ये बुधवार होगा, यानी कि आपका आंसर जो है वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60 जो था वो थोड़ा सा गलत क्वेश्चन आ गया था इस बार। गलत क्वेश्चन का मतलब ये था कि केवल इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो देखिएगा, केवल 25 मीटर वाली लंबाई दी गई है और केवल 32 सेंटीमीटर वाली लंबाई दी गई है, तो केवल इतने के बेसिस पे डियर स्टूडेंट्स हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप जानने के लिए सारी की सारी भुजाओं का पता होना जरूरी होता है, और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया है कि हम लोग बिल्कुल फाइंड आउट ही कर लें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन 60 के 60 क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे हुए, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने एनएसटी 8 को बहुत ही कम्प्लीटली सॉल्व किया होगा। जैसा कि आपको हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स तीनों का सॉल्यूशन मिल गया है, तो पक्का ऐसे ही सारे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, और ऐसे ही हम आपकी केयर भी करते रहेंगे कि आपका सिलेक्शन
जब तक मैं उदय में नहीं हो जाता, हम आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया एनएसटीज और बहुत बेहतरीन बेहतरीन कोर्सेज डिजाइन करके लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहे। ओके, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का कर लीजिए यार, नहीं तो फिर अगली वाली एनएसटी आएगी फिर आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अगली एनएसटी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो, जिससे कि क्या हो, उसको भी भाई उसकी भी तैयारी बेहतरीन चलने लगे, गजब का माहौल बन जाए। जैसा कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे ही रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका क्या हो, बेहतरीन मतलब मजा आ जाए, चारों तरफ देसी कक्षा वाली फीलिंग आने लगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए एनएसटीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।